हेलो दोस्तों, तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेरे ही एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है। ये क्वेश्चन मुझे भी 3 से 4 मिनट लग गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्वेश्चन है आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो एक बार वीडियो को पॉज करके और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन सोल्व तो हो गया मेरे से 3-4 मिनट में, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि यार अगर मैं किसी को समझाने जा रहा हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर आइडिया के साथ जाना है, ताकि वो स्टूडेंट अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो उस अप्रोच को लगाकर सॉल्व कर सके। तो मैं सोचा कि क्यों ना चलो इस तरीके के क्वेश्चन पे एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ सके, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या। तो आज का क्वेश्चन है 3, 3, 8 and 8 का यूज करके आपको 24 लिखना है, और यहाँ पे आप जोड़ घटाओ गुना भाग का यूज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटर्स, इनमें से किसी भी ऑपरेटर्स, 1 या 2 या 3, कितना भी जितना भी ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन आपको ये चारों का यूज करके आपको 24 लिखना है। सोचिए वीडियो को पॉज क्लिक करके, और अगर 2-3 मिनट मुझे लग गया तो एटलीस्ट 4-5 मिनट तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। तो 4-5 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए, जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी कीजिए, कोशिश कीजिए कि आंसर 24 आ जाए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा, अगर आ गया तब तो आप ब्रिलियंट हो, सही में ब्रिलियंट हो, और नहीं तो फिर सोल्यूशन तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ही। तो वीडियो को आप देखकर और सीख सकते हैं। तो पॉज कीजिए वीडियो और स्टार्ट कीजिए सोल्व करना, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और कैसे सोचना है। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को 8 और 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो 1 8 1 3 यूज हुआ है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, हमें 2 8 और 2 3 का हेल्प लेकर के 24 लिखना है, ठीक है। अब 8 × 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 / 1/3 लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 8 / 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको समझने में आसान हो इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि ये सिंबल हम लोग यूज नहीं करना है यहाँ पे, ये डिवीजन वाला ही सिंबल है, ठीक है। अब 8/1/3 को क्यों कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 8/1 को 9 - 8 लिख सकते हैं, 9 - 8/3, बट 9 तो हमें यूज करना नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, 8/9/3 कितना होता है, 9/3 होता है, माइनस तो राइट माइनस लिख दीजिए, और 8/3 ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब देखिए कितना, 2 8 और 2 3 का यूज कर लिया मैंने, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो 2 3 और 2 8 का यूज करके हम लोग 24 लिखते हैं। इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।